मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है और इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने जुबानी जंग जारी कर ली है। जहां एक ओर कांग्रेस एक तरफ लोगों को सपने दिखा रही है, वादे कर रही है और बीजेपी के राज में जनता को हो रही दिक्कतों को मुद्दा बना रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बेहतर सरकार का दावा कर रही है। इस बीच कांग्रेस ने सीएम शिवराज का एक ट्वीट रीट्वीट करते हुए बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाया और सीएम शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने पलटवार कर दिया। उसके बाद प्रदेश की सियासत हाई पर है। दरअसल 5 मई को शिवराज सिंह चौहान ने अपनी शादी की सालगिरह पर एक वीडियो ट्वीट कर अपनी पत्नी साधना सिंह को शुभकामनाएं दी थी। इस वीडियो में संध्या सिंह और कुछ महिलाएं भी थी। सीएम शिवराज की पत्नी सिलबट्टे पर मसाला तैयार कर रही थी तो वहीं महिलाएं चूल्हे पर खाना बना रही थी और एक और सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए थे। इस वीडियो को कई दिनों बाद कांग्रेस ने रीट्वीट करते हुए लिखा था कि आदरणीय मामा जी, अब आपकी जल्द ही चूल्हे फूंकने की तकलीफ खत्म होने वाली है, क्योंकि कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनते ही आपको भी 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा। इसके जवाब में बीजेपी की ओर से तो जवाब बाद में आया, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने कांग्रेस पर पलटवार कर दिया। उन्होंने अपने जवाब में ट्विटर पर भावनात्मक पोस्ट की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, कांग्रेसियों को रिश्तों की पवित्रता की समझ नहीं है। कांग्रेस रिश्तों की पवित्रता और प्रेम को नहीं समझती, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि मेरी माँ मेरे पिता की ताकत है। कार्तिकेय ने अपने जवाब में लिखा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। ऐसे हालात में बार बार कांग्रेस परिवार में घुसने की कोशिश करती है, राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस परिवार पर टिप्पणी कर रही है। कार्तिकेय ने लिखा कि कांग्रेस में चरित्र की समझ कम है, इसीलिए ये दिक्कत है, और कहा कि उनके पिता के लिए जनता की सेवा प्रथम है, इसीलिए वो अपने परिवार को बहुत कम समय दे पाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत समय देते भी हैं, वो भी कांग्रेस की आंखों में चुभने लगता है। कार्तिकेय के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस भी कहां चुप बैठने वाली थी। कांग्रेस ने इसके जवाब में लिखा है, हे युवराज, माता पिता के प्रति आदर हम सबके मन में है, लेकिन आपको उन बहन बेटियों का दर्द क्यों नहीं दिखता जिनके घर में आपके पिता की दी हुई महंगाई ने कोहराम मचा रखा है। जब आप अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे तब आपके पिताजी की सरकार मंदसौर में किसानों के बच्चों को गोलियों से भून रही थी। आपको उन युवाओं का दर्द क्यों नहीं दिखता जो आपके पिताजी की सरकार में भर्ती के इंतजार में ओवर एज होकर बैठ गए। आपको आपके पिताजी के शासनकाल में हुए व्यापम, ई टेंडर, कारम डैम, पोषण आहार, पुलिस भर्ती, पेशा समन्वयक भर्ती जैसे हजारों घोटालों पर अफसोस क्यों नहीं होता। आपके पिताजी लोकतंत्र की हत्या कर कुर्सी पर बैठे हैं, आपको कभी इस बात पर अफसोस क्यों नहीं होता। कांग्रेस ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, आपके पिताजी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार बलात्कार में पूरे देश में नंबर वन बनता जा रहा है, आपको अफसोस कब होगा। आदिवासियों के अत्याचार में मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर वन पर है, ये आपको भी दिखता होगा, इसीलिए अमेरिका रिटर्न युवराज से प्रार्थना है कि आप भी नारी सम्मान योजना का जमकर प्रचार प्रसार करें और अधिक से अधिक महिलाओं को इस योजना से जोड़कर उन्हें लाभ दिलाएं और अपने पिताजी के जंगल राज से मध्य प्रदेश को मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु हनुमान की नियमित उपासना करें। अब कांग्रेस के ट्वीट के बाद से प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है।